प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम आज शुरू करने जा रहे हैं आपकी 11th क्लास का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और जो टॉपिक बच्चों आपका 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ा हुआ भी है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली क्या नॉलेज क्या है वो आप सब 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो बच्चों आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो बच्चों आइए इन पे। तो देखो सबसे पहले बच्चों हमारे क्वेश्चन मेरे भी टॉपिक स्टार्ट करें वो है एंगल, कि ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हमें एंगल से रिलेटेड सारी जानकारी होना कंपलसरी है। तो बच्चों देखो जैसे आपको ये पूछ तो बता दूँ भाई एंगल 30 डिग्री या कितना होता है, आप बना के बता दोगे, लेकिन जो एंगल की डेफिनेशन है वो क्या होती है सबसे पहले हम आते हैं उस पर। मेन फोकस हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेगा इसमें। तो एंगल की डिफरेंस क्या है, जब कोई रे यानी कोई भी किरण अपनी इनिशियल पॉइंट के ऊपर रोटेशन करती है, जैसे मान लीजिए बच्चों ये मार्कर है वो ऐसे इस अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर रोटेशन करता है यानी घूर्णन करता है घूमता है, तब जो यहाँ पे जनरेट होता है वो क्या होता है एंगल। तो जितनी ज़्यादा रोटेट होगी उस टाइप से एंगल बढ़ता जाएगा, जितनी कम रोटेट होगी तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। लेकिन अब बात यह आती है भाई क्या जो कोई लाइन है वो एक ही साइड में रोटेशन करती है क्या, भाई एक ही साइड में घूमती है क्या, भाई अपोजिट भी तो घूम सकती है, भाई कोई लाइन है वो ऐसे ही घूमे ये जरूरत थोड़ी ना, ऐसे भी तो घूम सकती है। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे दो तरीके की डायरेक्शन होती है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज और एक होती है क्लॉकवाइज। तो जब आपकी ये जो रे वो एंटी क्लॉकवाइज यानी जो घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेशन करती है घूमती है, तब जो एंगल जनरेट होगा वो होगा पॉजिटिव, और अपोजिट साइड में यानी जो क्लॉकवाइज यानी जो आपकी क्लॉक है जिस डायरेक्शन में उसकी नीडल चलती है अगर उसी डायरेक्शन में चले तो ये क्या होता है आपका क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे थीटा क्या होता है नेगेटिव। तो बच्चों याद रखना अभी तक आपने 10th क्लास तक जो थीटा एंगल का मेजरमेंट किया वो सिर्फ पॉजिटिव क्वान्टिटी का किया, चाहे वो 30 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो चाहे 60 हो चाहे 90 हो, और 90 डिग्री तक आके आपका क्वेश्चन समाप्त भी हो रहा था। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या एंगल 90 डिग्री तक ही होता है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एंगल के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ भी है, आपने छोटी क्लासों से बनाते आ रहे हो, एंगल तो आपने 120 डिग्री का भी बनाया है, 150 का भी बनाया है, 180 का भी बनाया है और उससे ज़्यादा, मतलब जैसे ये रोटेशन करती रहेगी उस तरीके से एंगल तो बढ़ता रहेगा, यानी एंगल का कोई फिक्स तो पॉइंट नहीं है वैल्यू नहीं है स्टेप से नेगेटिव में भी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने ये पढ़ा कि एंगल क्या होता है, कि जब कोई रे अपनी रोटेशन पे अपनी एक्सिस पे रोटेशन करेगी चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, तब एंगल बनेगा। एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो रोटेशन करती है तो एंगल पॉजिटिव क्वान्टिटी होगा, और नेगेटिव में करती है रोटेशन तब एंगल क्या होगा एक नेगेटिव क्वान्टिटी होगा। अब एंगल कितने टाइप से हम मेजरमेंट करते हैं तो वो देखिए। तो सबसे पहले बच्चों जो आपने पढ़ा है सबसे पहले डिग्री, सबसे पहले हम ये पढ़ते भी एंगल को डिग्री में मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो ये बच्चों आपका स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हो डिग्री में मेजरमेंट करना, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। तो डिग्री में मेजरमेंट करने के लिए जैसे मान लो ये आपकी डी है कोई, और ये तो इसको अगर मैं इक्वल 90 पार्ट कर दूं
कितने पार्ट कर दूं? 90। तो जिसका वन पार्ट होगा वो क्या बोला जाएगा? 1 डिग्री। यानी यहाँ से ले रहे हम, यानी जब किसी राइट एंगल के, यानी जो समकोण है आपका, ऐसे जो डायरेक्ट लाइन एकदम डायरेक्ट ऐसे बनाकर उसके अगर मैं इक्वल 90 पार्ट करूं तो इसका जो पार्ट होगा एक पार्ट वो क्या बोला जाएगा? 1 डिग्री। तो इसका मतलब बच्चों आपको याद रखना है, वन राइट एंगल अर्थात समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। लेकिन बच्चों अब सवाल ये उठता है, अभी 90 डिग्री तक का तो आप मेजरमेंट कर सकते हो 1 डिग्री, लेकिन एक बात आप ये देखिए, क्या अगर 1 डिग्री से छोटा मेजरमेंट हमें करना हो? अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि यदि 1 डिग्री से छोटा मेजरमेंट आपको करना हो, छोटे एंगल को मापना हो, तब कैसे मापोगे? तो उसके लिए बच्चों नया सिस्टम चलाया गया है कि 1 डिग्री को कन्वर्ट कर दो मिनट में। इसको बोला जाता है मिनट, यानी 60 मिनट। यानी 1 डिग्री के यदि हम इक्वल 60 पार्ट कर देते हैं, 1 डिग्री के यदि हम इक्वल 60 पार्ट कर देते हैं, तब जो वन पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा इसका? 1 मिनट। और मिनट से भी अगर छोटा हमें एंगल कोई चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। बच्चों मिनट को आप जानते हो कुछ ऐसा। तो यहां से ये पता चल गया कि अगर यदि आप 1 मिनट के इक्वल 60 पार्ट कर देते हो तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड। बच्चों एक तो ये तरीका होता है एंगल को मेजरमेंट करने का, बस समझ आई या नहीं? खैर बच्चों आपके क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको ये दे दिया जाए 36.25 डिग्री, या कुछ ऐसा मैं लिख दूं, इसका अगर आपको मेजरमेंट करना हो तो कैसे करोगे? 36 बच्चों मेजरमेंट करना पॉसिबल है? 1/8 इतना इजी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/8 को हम किस में चेंज करेंगे? मिनट में। तो इसको 1/8 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से जब कैंसिल होगा तो आ जाएगा 15/2, तो आ जाएगा 36 डिग्री 15/2 मिनट। अब 15/2 मिनट को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और यदि फिर भी कोई डाउट हो तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लो, फिर आप इसको और इजीली मेजरमेंट कर पाओगे। बच्चों सबसे पहले सिस्टम आता है डिग्री, जिसकी आपको ये तीन बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री का मतलब समकोण यानी जो राइट एंगल है, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, यानी इसके ऊपर 1 डैश लगा के लिखा जाएगा, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, यानी इसके ऊपर डबल डैश लगाकर लिखा जाएगा। इतनी बातें कवर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक नया सिस्टम और आता है जो फ्रेंच सिस्टम है, या जो हम यूज़ तो बहुत कम करते हैं, लेकिन जिसे क्या बोला जाता है? ग्रेड सिस्टम। ये फ्रेंच सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर 90 डिग्री का मतलब होता है 100 ग्रेड, यानी इसने मेजरमेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट वाली कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं रहता इससे। हालांकि ये बच्चों यूज नहीं होता हमारे, ग्रेड सिस्टम हम यूज नहीं करते हैं ना आपकी बुक में, यूज में है, सिर्फ बताने के लिए एक बार दिमाग पढ़ लो कि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? 100 ग्रेड। 1 ग्रेड का मतलब क्या होता है? 100 मिनट। और 1 मिनट का मतलब
100 सेकेंड को। इसके इसे कंपेयर मत करना कि यहाँ पे भी 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट है तो यहाँ पे 1 डिग्री पीरियड का मतलब 100 मिनट या 1 मिनट का मुझे 100 सेकेंड कैसे आ गए उस पर नहीं। इसने सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए ये ग्रेड सिस्टम यूज किया लेकिन इसका कोई मुख्यतः हमारे कोई यूज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा अभी एंगल क्या होता है, बनता कैसे है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसके बाद हमने फिर ये पढ़ा कि डिग्री सिस्टम आपका अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा हुआ था कि एक समकोण यानी 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन अगर उससे छोटी मेजरमेंट करनी हो तो कैसे करेंगे उसके लिए ये। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो अब आपके मोस्टली यूज में का है उस टॉपिक पे आते हैं हम कि रेडियन कि एंगल को जब रेडियन के अंदर मेजरमेंट करना हो तो कैसे किया जाएगा वो देखिए। तो अब ये जो टॉपिक है वो आपको ध्यान से समझना है, इसके से रिलेटेड सारी बातें कि रेडियन क्या होता है, डिग्री से इसका क्या कनेक्शन होता है, वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों आपका कवर होना चाहिए। आज के लेक्चर का हमारा मेन एम यही है कि रेडियन से रिलेटेड जानकारी आपकी कवर हो जाए और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम रेडियन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है जिसकी ये रेडियस है आर, आर मैंने लिया बच्चों 1 यूनिट, आर मैंने क्या लिया है 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों अगर आपको याद हो आपने 10th क्लास में एक लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, 10th क्लास में लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था अपने पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब मान लीजिए मैं लेंथ ऑफ आर्क को एल से डिनोट कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ आर्क को मैं किस से डिनोट कर रहा हूँ 1 से। तो मान लीजिए बच्चों मैंने इसका एक आर्क लिया एल जिसकी लेंथ भी कितनी है 1 यूनिट। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो, मैं एक बार रेडियन सिस्टम पे आ रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई एंगल रिप्रेजेंट हुई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस वर्ड पे नहीं, हम हमारे सिर्फ रेडियन को समझना है। और यहाँ पे जो एंगल है वो मान लिया मैंने थीटा, तो ये जो थीटा होगा ये क्या बोला जाएगा 1 रेडियन। बेसिकली मीनिंग समझ आया, यानी अब ये थीटा को हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन। अब आप कहोगे कैसे, तो उसको थोड़ा सा समझिए। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि 1 यूनिट यानी एक इकाई रेडियस, 1 यूनिट रेडियस का कोई भी सर्कल हो और उसका 1 यूनिट का ही जो आप आर्क लेते हो वो सेंटर पे जितना एंगल जनरेट करता है वो क्या बोला जाता है 1 रेडियन। बच्चों वो क्या बोला जाता है 1 रेडियन। बात समझ आई, क्या कोई डाउट है यहाँ तक, क्या बोला जाएगा 1 रेडियन। या हिंदी में बच्चों आप ये बोल सकते हो कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है या 1 इकाई है और उसी वृत्त का कोई चाप हो जिसकी लंबाई 1 इकाई हो तो उस चाप के जब आप दोनों सिरों को सेंटर से जॉइंट कर देते हो, मिला देते हो, तब जो केंद्र के ऊपर जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा 1 रेडियन। डेफिनेशन समझ आ गई कि 1 रेडियन क्या होता है कि जब आप r इक्वल टू 1 लेकर और L इक्वल टू 1 लेकर कोई भी सर्कल को लेते हो तो उस आर्क के जब आप दोनों वर्टिसेज को सेंटर से जॉइंट कर देते हो तब सेंटर के ऊपर जो एंगल जनरेट होता है वो क्या होता है 1
रेडियन। तो बच्चों 1 रेडियन की डिफिनेशन समझ आ गई होगी, क्लियर है। रेडियस 1 यूनिट, लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट, दोनों को ज्वाइंट करो, सेंटर के ऊपर जो भी एंगल जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, 1 रेडियन। क्लियर हुई बच्चों? तो यहाँ से रेडियन को बच्चों याद रखना, थीटा नहीं लिखकर थीटा सी लिखा जाता है। डिग्री में वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, थीटा के ऊपर डिग्री लगा के, या भाई थीटा के ऊपर सी, यानी ये थीटा का मेजरमेंट किस में है, रेडियन में, ठीक है। ये थीटा का मेजरमेंट किस में बच्चों, रेडियन में है। तो अब इस के ऊपर आइए, एक बार देखिए यहाँ पे एल इक्वल वन है, आर इक्वल वन है, तो यहाँ से थीटा सी का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर। थीटा सी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर। तो इस आर को यदि मैं उधर नीचे ले जाता हूँ तो एल अपॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मैं थीटा सी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, थीटा सी इक्वल टू, इतनी बात समझ आई है नहीं? तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक रिजल्ट बनाया है कि रेडियन और डिग्री के बीच, तो क्या रिजल्ट बना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास थीटा सी इक्वल टू आया पाई अपॉन 180 इंटू थीटा डिग्री, और यहाँ से थीटा डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं जो आपको स्पेशली याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला क्या होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई एंगल है उसकी वैल्यू डिग्री में देकर ये पूछ लिया जाए कि उसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करोगे, उसको पाई, सॉरी 180 अपॉन, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से। तो इससे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि आपको डिग्री में वैल्यू देकर ये पूछ लिया जाएगा कि उसको रेडियन में सॉल्व करो, तो ये प्रोसेस यूज होगी, या ये पूछ लिया जाता है कि रेडियन में देकर उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो ये प्रोसेस यूज होगी। और इसके आधार पर बच्चों ये क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मूला भी बन जाता है कि यदि मान लो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख दूँ पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री, तो ये थीटा सी होता है, तो यहाँ से एल आर इक्वल टू क्या आ गया, एल इक्वल टू आर थीटा सी। तो एक ये भी फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको जब भी किसी सर्कल की रेडियस देकर, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई देकर थीटा की वैल्यू पूछ ली जाए, तो बच्चों हमेशा याद रखोगे एल अपॉन आर थीटा सी को डिनोट करता है, रेडियन में वैल्यू को दर्शाता है, न कि डिग्री में, ठीक है। हाँ, पहले रेडियन में फाइंड आउट करेंगे फिर डिग्री में। तो इस फॉर्मूले का जब भी यूज करें तो रेडियन में यूज करेंगे। अब ये यूज कहाँ होता है, तो जैसे जो क्लॉक के क्वेश्चन है वहाँ पे यूज होगा, जो घड़ी के सवाल है वहाँ पे यूज होगा। जैसे आपको ये दिया जाए भी घड़ी की सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करती है, जैसे इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई क्लॉक आपकी मान लीजिए कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई मिनट की सुई, जो आपकी मिनट का हैंडल है, जो नीडल है, वो मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक आ गई है, और इसकी लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितने डिस्टेंस कवर करेगी, अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो कैसे था? तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, ये एंगल पता करना होगा। एंगल आपको पता है जो मिनट की है वो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री आवर, हाफ डिग्री होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सोल्व करने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए एक बार आप इतनी चीज़ों को याद कीजिए, तब टेक केयर, धन्यवाद।